कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने अपना लाइपोसक्शन करवा लिया है या लाइपोसक्शन करवाने का मन बनवा लिया है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक दुविधा है कि कितना टाइम लगेगा मुझे पूरी तरह से रिकवर होने के लिए सर्जरी के बाद। तो आइए आपकी इसी दुविधा का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित जैन। मैं एक एस्थेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन हूं और ऑपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। हम अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि लाइपोसक्शन कैसे होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि उसकी रिकवरी कैसे होती है, उसमें क्या क्या बातों का ख्याल करना होता है और हम क्या करें कि हमारी रिकवरी थोड़ी बेटर हो जाए। ठीक है, अब जैसे हमने बताया, मतलब पहले वीडियोस में डिस्कस किया है कि लाइपोसक्शन में हम छोटे छोटे इंसिजन देके मल्टीपल पोर्ट्स से कैनुलाज अंदर डालते हैं और वहाँ से फिर फैट के थ्रू उन कैनुलाज को पास करते हैं बार बार और धीरे धीरे फैट टूट के उसमें सकआउट हो जाता है। और ये करने से पहले हम फ्लूइड को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, मतलब पानी अंदर डालते हैं, एक तरीके से सलाइन होता है, और उससे फिर हम वो हेल्प करता है हमारे को फैट की ब्रेकेज में और फिर फैट के बाहर आने में। तो अब जब सर्जरी हो गई उसके बाद क्या, उसके बाद सबसे पहले आपको हम एनकरेज करेंगे पहले ही दिन वॉक अराउंड करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहे, पैरों में खून का जमना या जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं वो सब प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, 4 से 6 घंटे के बाद हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप खूब पानी पीजिए। बेसिकली देखिए क्या है कि कुछ तो करीब 1.5 से 2 लीटर तो आपकी मिनिमम बॉडी की रिक्वायरमेंट है रोज़ की। उसके अलावा क्योंकि हमने मल्टीपल पैसेजेस किए हैं आपके फैट के थ्रू, तो वहाँ पे भी फ्लूइड ऊज होता रहता है, तो हमारे को वो फ्लूइड को मैच करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा फ्लूइड देना है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा फ्लूइड इंटेक ठीक है? अगर आपका यूरिन बिल्कुल क्लियर होता है, यानी पेशाब एकदम क्लियर पास हो रहा है, इसका मतलब आपका फ्लूइड इंटेक ठीक है। मान लीजिए ज़्यादा पीला है तो आपको और फ्लूइड लेने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा आप चल फिर रहे हैं, पानी पी रहे हैं और साथ साथ आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। अब इनिशियल कुछ दिनों में पेशेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स फील करते हैं, जो कि क्या है, जैसे कि पेन, उसके अलावा नमनेस। पेशेंट्स को लगता है जहाँ जहाँ सर्जरी हुई है वहाँ पे थोड़ा नम है, तो इसके लिए चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये यूजुअली सेटल हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको तकरीबन 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा पूरी नमनेस जाने के लिए, लेकिन कई बार 1 साल तक भी लग जाता है, बट ये फुली करेक्टेबल प्रॉब्लम है। उसके अलावा जहाँ जहाँ हमने इंसिजन्स दिए हैं शुरू शुरू के पीरियड में, वहाँ से थोड़ा फ्लूइड लीक हो सकता है, यानी कि स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड या ब्लड टिंज्ड फ्लूइड, तो उसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि आपके फैट के थ्रू हमने पास किया कैनुला, तो वहाँ से ऊजिंग होती है, वही जो कलेक्टेड फ्लूइड है वो बाहर आने की कोशिश करता है, तो वही आपके कट्स के थ्रू बाहर आता है, इसलिए परेशान नहीं होना। कई बार पेशेंट्स में जब ये बाहर ड्रेन नहीं हो पाता है तो इकट्ठा होकर ये सिरोमा बना लेता है, यानी कि एक फ्लूइड कलेक्शन है जिसको हम इजीली एक नीडल डाल के ड्रेन कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। उसके अलावा पेशेंट्स को शुरू शुरू में लगता है कि स्वेलिंग तो पहले जैसी ही है या शायद बढ़ गई, तो उसके लिए भी चिंता नहीं करनी। हमने देखिए पहले तो फ्लूइड डाला था, उसके बाद फैट निकाला है, तो इनिशियली तो स्वेलिंग ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्वेलिंग कम हो जाएगी। अब आपकी जो रिकवरी है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनिशियल रिकवरी और एक डिलेड रिकवरी। तो इनिशियल रिकवरी क्या है कि आप सोचते हैं मैं कितने दिन में अपना नॉर्मल काम कर सकता हूँ, ऑफिस जा सकता हूँ या जा सकती हूँ या अपना घर का काम कर सकती हूँ, तो देखिए ये लगभग 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। उसमें आपकी स्वेलिंग कम होने लग जाती है, आप फुल एक्टिव हो सकते हैं, हम आपको वॉक्स पे जाना अलाउ कर देते हैं, तो आप डेफिनेटली ये शुरू कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हाई प्रोटीन और लो फैट डाइट खानी है, ताकि आपकी हीलिंग भी अच्छी हो और फिर से फैट डिपोजिशन ना हो। जो लेट फेज़ है या डिलेड फेज़ है उसको हम कहते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड फेज़, यानी कि ये टाइम वो है कि जिसमें आपका फाइनली रिजल्ट दिखने लगेगा। तो रिजल्ट प्रॉपर दिखने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। अब हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हमारा रिजल्ट जल्दी आए और अच्छा है, तो कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखना है। जैसे प्रेशर गारमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
प्रेशर गारमेंट या कंप्रेशन गारमेंट जो है ये बेसिकली जैसे इनका नाम सजेस्ट करता है प्रेशर की वजह से फ्लूइड को इकट्ठा नहीं होने देते और ये गैप नहीं आने देते हैं नीचे की मसल और ऊपर की स्किन के बीच में, ताकि वो जल्दी से चिपक जाए और जल्दी से हीलिंग हो जाए। इसके अलावा आप जितना लंबे टाइम इसको पहनेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। मिनिमम 6 से 8 हफ्ता हम एडवाइज़ करते हैं, लेकिन जो पेशेंट 3 महीना 6 महीना पहन लेते हैं उनको और भी अच्छा रिजल्ट आता है। और प्रेशर गारमेंट्स के अलावा हम और क्या कर सकते हैं, देखिए हम एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। अराउंड 5 to 7 days पे हम अपनी नॉर्मल वॉकिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ और इंटेंसिव एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो 10 to 15 days उसके लिए हमें वेट करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अलावा हम मसाज करा सकते हैं, RF मसाज, लिम्फैटिक मसाज। इनसे क्या होता है कि स्वेलिंग जल्दी कम होती है और रिकवरी फास्ट हो जाती है। अब कई बार क्या होता है, पेशेंट कहते हैं कि हमें थोड़ा सा इरेगुलर फील हो रहा है जहाँ पे लाइपोसक्शन हुआ है, या कुछ नॉट्स फील हो रही हैं, तो ये इनिशियल कुछ दिनों में नॉर्मल होती हैं और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप सेटल हो जाती हैं। लेकिन अगर हम RF मसाज या लिम्फैटिक मसाज कराते हैं तो ये जल्दी सेटल हो जाती हैं, पेशेंट की एप्रिहेंशन भी जल्दी ही सेटल डाउन हो जाती है इनकी वजह से। उसके अलावा हमने क्या करना है, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि हम आपको इनिशियली कुछ पेन किलर्स देंगे, हम आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे, स्वेलिंग कम करने के लिए कुछ दवाई देंगे। उसके अलावा आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है, कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे, वो विटामिन सप्लीमेंट्स भी खाना है। धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी शुरू करेंगे और एक्टिव रहेंगे, बेसिकली वो ध्यान रखना है। खूब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, उससे भी फ़ायदा होता है, स्पेशली अगर एब्डोमेन का लाइपोसक्शन हुआ हो तो। और आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको कोई कलेक्शन लगेगी तो इमीडिएटली हमारे पास आइए, हम उसको देख के उसको ड्रेन कर देंगे। मान लीजिए किसी वजह से आप कहीं दूर रहते हैं और नहीं भी ड्रेन हो पाती है तो भी चिंता की बात नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप ही सेटल हो जाएगी। अगर आपको लाइपोसक्शन के रिकवरी पीरियड से लेके रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके, इसीलिए बेल आइकन भी दबाइए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे को लिख के भेजिए। धन्यवाद।